हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना। दोस्तों, यहाँ मैं देखिए एक सिलाई पर कुछ फंदे ले ली हूँ और यहाँ मैं बॉर्डर की तरह बना ली हूँ और उसके बाद मैं एक सिलाइयाँ सीधी साइड से सीधा बना लेती हूँ। ये बेसिक सिलाइयाँ है, ये पूरी रो सीधा बना के कंप्लीट कर लेना है। ये डिजाइनिंग जो है उल्टी साइड से स्टार्टिंग होता है। दोस्तों, ये चार सिलाइयों का डिजाइन है और तीन तीन फंदे करके बनता है। तीन फंदे से एक डिजाइन बनता है और ये चार सिलाइयों का डिजाइन है। तो मैं सीधी साइड से पूरी रो को सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ और ये सीधी साइड से मैं पूरी रो सीधा बना के कंप्लीट कर ली हूँ। ये डिजाइनिंग जो है उल्टी साइड से स्टार्टिंग किया जाता है। ये डिजाइनिंग जो है इस साइड से एक फंदा और इस साइड से एक फंदा, दो फंदे मैं एक्स्ट्रा रखी हूँ और तीन तीन फंदे से ये डिजाइनिंग जो है बनता है। तो ये मैं उल्टी साइड से डिजाइनिंग स्टार्टिंग करती हूँ। एक फंदे को स्लिप कर लेना है और धागा को पीछे दो फंदे को सीधा बनाना है। एक और ये दो हो चुका, धागा आगे, एक फंदे को स्लिप कर लेना है, धागा पीछे, दो फंदे को सीधा, धागा आगे, एक फंदा को स्लिप करना है, धागा पीछे। दोस्तों, ऐसे ही मैं पूरी रो बना लेती हूँ उल्टी साइड से। ये डिजाइनिंग की फर्स्ट रो है। दोस्तों, यदि प्रतिदिन और रेगुलर नए नए और लेटेस्ट स्वेटर का डिजाइन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं प्रतिदिन और रेगुलर नए नए और लेटेस्ट स्वेटर का डिजाइन डालूं, वो वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और सबसे पहले आप देख सके और बना सके। ये मैं पूरी रो बना के कम्प्लीट कर लेती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं सेकेंड रो में आ चुकी हूँ सीधी साइड से। तो अब क्या करना है, ये साइड वाले फंदे को स्लिप कर लेना है आगे करके। ये उल्टा फंदा बना है, दो फंदा, तो इन दोनों फंदे को उल्टा बना लेना है। फिर धागा पीछे करना है और ये स्लिप वाला फंदा है तो इसे स्लिप कर लेना है। और फिर धागा आगे करके दो फंदे को उल्टा, धागा पीछे, स्लिप वाले फंदे को स्लिप करना है, धागा आगे, फिर दो फंदा उल्टा। दोस्तों, ऐसे ही सेकेंड रो सीधी साइड से पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेना है। यहाँ मैं थर्ड सिलाई पे आ चुकी हूँ उल्टी साइड से। तो अब क्या करना है, साइड वाले फंदे को मैं स्लिप कर ली हूँ, उसके बाद दो फंदे को ऐसे करके सीधा बना लेना है, धागा आगे, और एक फंदे को ऐसे करके एक फंदा बना लेना है। फिर एक बार ऐसे करके धागा लपेट लेना है, फिर एक फंदा बना लेना। तो अभी तक ये एक फंदे से तीन फंदा हो चुका, एक बार और ऐसे करके धागा लपेटना है और ऐसे करके बनाना है। तो एक फंदे से ये देखिए पाँच फंदे मैं बनाई हूँ। अब इस धागे को छोड़ देना है, धागा पीछे, दो फंदा सीधा और धागा आगे, ये स्लिप वाला फंदा है तो इस फंदे से पांच फंदे बनाना है। इसे लूज करके बनाना है, दो तीन चार और ये पांच हो चुका। फिर ये दो फंदे को सीधा बनाना है, धागा पीछे करके, ये हो चुका, धागा आगे, एक फंदे से पांच फंदे बनाना है, एक दो तीन चार और ये पाँच हो चुका, धागा पीछे, दो फंदा सीधा। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं थर्ड सिलाई पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये जब भी बनाना है तो लूज करके बनाना है। तो ये तीन, एक बार धागा लपेटना है, चार और एक ये पाँच हो चुका, धागा पीछे, दो फंदा सीधा। तो मैं पूरी रो थर्ड सिलाई ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं तीन सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। अब चौथी सिलाई में आ चुकी हूँ। तो साइड वाले फंदे को स्लिप कर लेना है, धागा आगे, दो फंदे को उल्टा बना लेना है,
धागा पीछे, और ये देखिए ये पांचों फंदे में ऐसे करके सिलाई को डालना है और ऐसे करके एक फंदे बना लेना है और उसे स्लिप कर लेना है धागा आगे, और ये दो फंदे को उल्टा बना लेना है धागा पीछे, और ये पांचों फंदे में एक फंदे से जो मैं पांच फंदे बनाई थी ये पांचों फंदे में सिलाई को डाल के एक फंदे बना लेना है, फिर धागा आगे ये दो फंदे को उल्टा बना लेना है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से ये बनता जा रहा है, कितना कितना सुंदर से ये उभरा उभरा सा डिजाइन बन के कम्प्लीट हो रहा है। तो ये मैं पूरी रो ऐसे ही बना के कम्प्लीट कर लेती हूँ। और ये देखिए दोस्तों ये चार रो का डिजाइन है और चार रो यहाँ मैं बना के कंप्लीट की हूँ, और ये कितना सुंदर ये उभरा उभरा सा डिजाइन बन के कम्प्लीट हुआ है। दोस्तों इसी चार रो को आपको बार बार रिपीट करते जाना है और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के कम्प्लीट हुआ है। दोस्तों आप इस डिजाइनिंग को और प्रोजेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन है। अक्सर ये बच्चों के स्वेटर में बहुत ही सुंदर लगता है और इस डिजाइनिंग को आप बहुत ही आसान तरीके से बना भी सकते हैं। दोस्तों इसी चार सिलाइयों को आपको बार बार रिपीट करना है। दोस्तों यदि आप सभी को ये डिजाइन पसंद आया हो और मेरे ये बताने का तरीका यदि आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि कोई नए हैं चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ वो वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और सबसे पहले आप देख सकें और बना सकें। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट डिजाइन और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।